नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट लेकर। दोस्तों, आज की जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से। एंड दोस्तों, टेक महिंद्रा एक बहुत ही अच्छे कोडिंग चैलेंज के साथ आ चुका है। अगर दोस्तों आप इस कोडिंग चैलेंज में अच्छा परफॉर्म करते हो, दोस्तों यहाँ सिर्फ आपसे कोडिंग ही नहीं, एप्टीट्यूड, ये दोस्तों एक सिंपल तरीके का ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट है या फिर ऑनलाइन कैंपस रिक्रूटमेंट समझिए, पर दोस्तों इसको एक नाम दे दिया है कोडिंग चैलेंज, सुपर कोडर चैलेंज। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे दोस्तों, यू कैन गेट अ चांस टू वर्क इन टेक महिंद्रा। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में बात करूं तो दोस्तों ये एक तरीके की हायरिंग है जो कि होने वाली है एक चैलेंज के थ्रू। यहाँ दोस्तों पैकेज आपको अप टू 5.5 LPM मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, लास्ट डेट। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी पोस्ट की गई है naukri.com प्लेटफॉर्म पर, टेक महिंद्रा प्रेजेंट सुपर कोडर हायरिंग चैलेंज, जो कि दोस्तों जिसकी लास्ट डेट है 28 AM। अभी तक दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है एंड कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ टेक महिंद्रा इतने ही स्टूडेंट्स को हायर करेगी। दोस्तों आप सभी को पता है टेक महिंद्रा एक बहुत ही अच्छी MNC है जो कि अच्छे नंबर में स्टूडेंट्स को हायरिंग करती है। राउंड वन दोस्तों आपका 28 फैब को होगा 11 AM से 5:30 PM तक। तो सो वो आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। टेक महिंद्रा इन्वाइट्स ऑल 2022 एंड 2023 पास आउट कैंडिडेट्स हु हैव स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड पैशनेट अबाउट कोडिंग टू पार्टिसिपेट इन द टेक महिंद्रा सुपर कोडर हायरिंग चैलेंज। टॉप परफॉर्मर्स मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद टेक महिंद्रा। यहाँ दोस्तों सुपर कोडर हायरिंग चैलेंज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स। राउंड वन दोस्तों आपका रहेगा, कैंडिडेट विल टेक अ 30-मिनट चैलेंज कंप्राइजिंग ऑफ 30 क्वेश्चंस कवरिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड ग्रामर। तो दोस्तों यहाँ आपसे जो कि आपका एक रिक्रूटमेंट प्रॉपर एक आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है, कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड में आपसे एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड काफी सारी कंपनीज दोस्तों ऑफ कैंपस में भी यही पैटर्न फॉलो करती है। अगर दोस्तों आप उसको क्लियर करते हो फिर दोस्तों आपका सेकंड राउंड में होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फ्रॉम राउंड वन विल अंडर गो एन एडवांस एप्टीट्यूड। दोस्तों एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज वेल एज कोडिंग राउंड। कैंडिडेट एंड थर्ड राउंड की बात करते हैं, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम राउंड टू विल गो फॉर फेस टू फेस टेक्निकल एज वेल एज HR इंटरव्यूज एट टेक महिंद्रा ऑफिसेस। तो दोस्तों आपका राउंड थर्ड ही होगा सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस, बाकी दोस्तों आपको दोनों राउंड देने हैं ऑनलाइन, दैट इज वर्चुअल। डिटेल्स ऑफ द रोल दोस्तों यहाँ सारी चीजें बता रखी है। वैसे दोस्तों यहाँ आपके लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की हायरिंग है, जिसमें दोस्तों आप अच्छे रोल्स पे काम करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निकल रोल्स पर दोस्तों आपको काम करने का मौका मिलेगा। टेस्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, वर्बल मिलेगी, लॉजिकल मिलेगी एज वेल एज सो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगी। अभी आप सभी के पास काफी टाइम है, इंडिया बेक्स या फिर दोस्तों आप अदर वेबसाइट्स भी रेफर कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे और यहाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड लिखोगे ना, रुको, तो दोस्तों एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड कंप्लीट रोड मैप, इसको आप दोस्तों फॉलो या फिर एक बार देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ईच ई सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट्स। टाइम एलोकेशन की बात करते हैं, इट इज रिकमेंडेड टू स्पेंड अप्रोक्सिमेटली 10 मिनट्स ऑन ईच सेक्शन। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टेस्ट ड्यूरेशन, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 30 मिनट्स। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव स्कोर मिनिमम ऑफ 70% और 7 CGPA विदाउट राउंडिंग अप इन इन सेकेंडरी 10th 12th एज वेल एज ग्रेजुएशन। तो दोस्तों आपका टोटल अभी तक जो मार्क्स है वो दोस्तों आपके 70% थ्रू आउट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में दोस्तों बीई बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, ईएनसी, ईटी, एनटीसी, टेलीकॉम अगर इन सभी ब्रांचेस में की है तो दोस्तों आप एलिजिबल होने वाले हो। या फिर दोस्तों अगर आपने एमसीए या फिर एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, जब भी दोस्तों यहां आप एलिजिबल रहने वाले हो। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द ईयर 2022 एज वेल एज 2023। प्राइसेस में दोस्तों इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, टॉप परफॉर्मर्स में गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद टेक महिंद्रा। सीधी बात, अगर आप राउंड थर्ड तक, दैट इज इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हो एंड अगर आप इंटरव्यू में 70% भी अच्छे से परफॉर्म करोगे, दोस्तों मेरी तरफ से 90% आपको चांस मिलने वाला है टेक महिंद्रा में
परफॉर्म करने का एज वेल एज एन एम्प्लॉय। एंड पैकेज दोस्तों यहाँ आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छा है, ये ऑफ कैंपस ऑन कैंपस ऐसे नहीं है, ऑफ कैंपस है बट ऑफ कैंपस का प्रोसीजर थोड़ा अलग है। तो एनरोल पर क्लिक कर दोस्तों फॉर्मेलिटीज फिल कर सब में अच्छे से रजिस्टर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाइए रजिस्टर कीजिए। एज वेल एज दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।